आज कर्फ्यू का जो तीसरा दिन हिमाचल में जो चल रहा है, तीसरा दिन, पहले लॉकडाउन हुआ फिर कर्फ्यू हुआ, लेकिन मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज एक हफ्ते से घर से नहीं निकल रहे हैं। उनको जो लाले रोटी के पड़ गए हैं उसको देखते हुए कुछ युवा समाज सेवी संस्था और हमारे पीढ़ी के कुछ कर्मी भी बाहर निकले हैं उनके सहयोग के लिए। उनके जो कर्मी हैं, जो लगता है बाढ़ वाइज सुहानपुर के, उनको खाना कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए जो तमाम गतिविधियां हैं वो देखी जा रही हैं, और उन लोगों की छटनी भी, लिस्ट भी तैयार करवाई जा रही है इन समाज के द्वारा, जो समाज के जो समाज से भी युवा हैं उनके द्वारा जो लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, ताकि लोग भूखे ना सोएं। ऐसे गरीब परिवार थे जिनको गुजारा दिन की दिहाड़ी करके ही रोजी रोटी जो हर रात को नसीब होती थी, लेकिन कर्फ्यू के चलते जो सरकार ने खामोशियां सड़कों पर दी हैं उसको भी ध्यान में रखकर उनकी उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारे मीडिया कर्मियों ने द्वारा की गई है। आज सुजानपुर में कर्फ्यू का तीसरा दिन है, जिसको लेकर उपमंडल अधिकारी शिल्पा बेगटा द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कर्फ्यू ढील के दौरान भी कोई दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन सड़क पर दौड़ेंगे नहीं, अगर दौड़ते नजर आए तो उनके प्रति कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और यदि उनको परमिशन होगी तभी उन्हें वहां से जाने दिया जाएगा। ये बात उपमंडल अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए गए हैं, कार्यालय से आदेश जो है निकल चुके हैं। आज कर्फ्यू के तीसरे दिन सुजानपुर में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली, लेकिन 10 बजे के बाद सरकारी आदेशों के बाद ही 1 बजे तक जो है लोगों ने अपने सामान की खरीदारी की और लोग अपने घरों में निकलते पाए गए, और जिसमें ये देखा गया कि लोग बारी बारी से और बड़े ही दूरी बनाकर एक दूसरे से चल रहे हैं, और आज अन्य दिनों के मुकाबले बाजार में जो भीड़ है जो जमा हो रही थी वो कम दिखी है। लग रहा है कि लोगों ने राशन अपना खरीद लिया है, लोग समझ चुके हैं इटली और चाइना के देशों का जो हाल हुआ है उसको देखते हुए आज सुजानपुर में भी लोग समझकर और समझदारी दिखाते हुए लोग डिस्टेंस बनाकर चले हुए हैं और लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। आज हमीरपुर जिला SP ने भी सुजानपुर शहर का दौरा किया और लोग जहां मिले। एस टुडे के लिए राजन मेहता, कैमरामैन अखिल गुप्ता के साथ सुजानपुर।